गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल बेस्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वीवो वाई सीरीज के एक ऑनलाइन स्मार्टफोन के बारे में। स्मार्टफोन का नाम है वीवो Y35। स्मार्टफोन का डिजाइन 100% कंफर्म हो चुका है। जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये स्मार्टफोन इसी डिजाइन के साथ पाकिस्तानी और इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। और स्मार्टफोन में क्या नए फीचर दिए जाएंगे, क्या प्राइस रहने वाली है, कब तक ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी और इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है, आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फौरन से लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोज बनाकर लाते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे स्मार्टफोन के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। स्मार्टफोन की बैक साइड पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 7 LED फ्लैश भी है, बॉक्सी डिजाइन है। स्मार्टफोन की बैक साइड ग्लास की है, फ्लैट है, जिसके साथ फ्रंट साइड पर आपको वाइट एंड रिच का सेल्फी कैमरा दिया गया। स्मार्टफोन का डिस्प्ले साइज 6.5 इंचेस का है, IPS एलसीडी वाले पैनल के साथ 1080 की रेजोल्यूशन दी गई, हाई रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का दिया गया। नो डाउट आप स्मार्टफोन को डिस्प्ले वाइज भी 100% कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस की। स्मार्टफोन के बैक साइड पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, मेन कैमरा 50 MP का, स्कैनिंग कैमरा 8 MP का, अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया, थर्ड कैमरा 2 MP का, डेप्थ सेंसर है, 7 LED फ्लैश भी है। मेन कैमरे की मदद से आप 1080 की वीडियो को शूट कर सकेंगे 30 FPS की स्पोर्ट पर। फ्रंट साइड पर आपको 16 MP का वाटर नोटिस सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, जिसकी मदद से भी आप 1080 की वीडियो को शूट कर सकेंगे 30 FPS की स्पोर्ट पर। नो डाउट आप स्मार्टफोन को कैमरा क्वालिटी वाइज भी कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस को। स्मार्टफोन में जो चिपसेट यूज की गई है वो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 680 की चिपसेट है, जो कि इतनी ज्यादा अच्छी चिपसेट नहीं है। अगर आप प्रो गेमर और हाई फ्रेम रेट पर पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर जैसी हैवी गेम्स को रन करना चाहेंगे स्मार्टफोन पर तो आप रन नहीं कर सकेंगे। नॉर्मल यूज के लिए आप स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। और साथ ही स्मार्टफोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, साथ आपको 18W का फास्ट चार्जर स्मार्टफोन के बोस के साथ दिया जाएगा। और ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी और इंडियन मार्केट में दो वेरियंट्स के अंदर लॉन्च होगा। सबसे पहला वेरियंट 4GB RAM 128GB के साथ लॉन्च होगा और इस स्मार्टफोन का सेकंड वेरियंट 8GB RAM 256GB के साथ लॉन्च होगा। और स्मार्टफोन में जेरो वाइज 30 FPS की सपोर्ट भी दी गई है। फिंगरप्रिंट साइड मोड दिया जाएगा, USB-C टाइप की पोर्ट दी जाएगी, एंड्रॉइड 12 OS का सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन में रन करता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें स्मार्टफोन की प्राइस की, स्मार्टफोन की जो प्राइस पाकिस्तानी मार्केट में एक्सपेक्ट की जा रही है वो 54,000 है और इस स्मार्टफोन की प्राइस इंडियन मार्केट में 16,000 तक एक्सपेक्ट की जा रही है। बात कर लेते हैं लॉन्च डेट की। ये स्मार्टफोन अक्टूबर 2022 में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा। तो गाइस आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए मोबाइल फोन के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।